ये ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक सवाल था, वो मैंने बाद में किसी लेक्चर में कराया था, तो वो उन 10 लेक्चर्स में नहीं था, इसलिए वो सवाल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये सवाल है वन ऑफ इट्स काइंड, ऐसा ना पहले कभी आया ना दोबारा कभी आया, लेकिन जिस तरह से पहले अभी रिसेंट अटेम्प्ट में हुआ है तो ये फिर से कॉपी हो सकता है। वो सवाल है ऑटम 2008, क्वेश्चन नंबर 2, कोर्स में रखा हुआ है आपके, अगर खोल लें तो मैं बात समझा देता हूँ। एक पेज पे क्वेश्चन है, अगले पे सोल्यूशन है, क्वेश्चन ही रखिएगा सामने, सोल्यूशन तो मैं समझाऊंगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑटम 8, अगर पढ़ लें तो फिर बात करने में आसानी है। जी पार्ट ए तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपलेस्ट है। ईओ क्यों पूछी हुई है, सारा डाटा पहले टेबल में दिया हुआ है, एनुअल डिमांड दी हुई है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दी हुई है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, और टू आपको पता है क्या होता है, कैलकुलेटर पे होता है, टू दबाएं तो टू आ जाता है और स्केयर रूट भी निकल आएगा, तो इसका ईओ क्यू तो 5400 ईजिली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑटम 8, पहला पार्ट है ईओ क्यू, 2 है इंटू एनुअल डिमांड है 162,000, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 20,000, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है, तो ये ईओ क्यू 5400 यूनिट्स आ जाएगा। और पूछा है कि इसी के ऊपर टोटल ऑर्डर कॉस्ट बता दें, तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट का फार्मूला होता है ओ क्यू एनुअल डिमांड बाय ओ क्यू, ये हो जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स और इंटू 27,000, तो एनुअल डिमांड है 162, ओ क्यू ये निकाल लिया 5400 इंटू 27,000, तो 810,000। ये तो पार्ट ए है, इसके लिए तो ये सवाल नहीं करा रहा, पार्ट बी समझाता हूं। पार्ट बी समझा रहा हूं, आर ओ एल का फार्मूला एक तो होता है मैक्सिमम डिमांड इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, कोई रिस्क नहीं लेना, तो इसी की एक और शक्ल एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, इस फार्मूले को समझते हैं। एवरेज की जगह नॉर्मल का वर्ड भी हो सकता है, इस फॉर्मूले को समझते हैं। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, सिर्फ इस पोर्शन की, ये बस नॉर्मली इतने दिन लगते हैं और नॉर्मली एक दिन में इतने यूनिट्स कंज्यूम हो जाते हैं, तो जब स्टोर में इतना सामान बचा रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें, ताकि चीजें पहुंचने तक ये जो पड़ा हुआ है ये इस्तेमाल हो जाए। आर ओ एल का कॉन्सेप्ट यह होता है कि सामान उतना बचा रह गया जितना लीड टाइम के दौरान इस्तेमाल हो जाएगा तो ऑर्डर प्लेस कर दें, ताकि जब तक सामान पहुंचे तो जितना पड़ा रह गया था वो इस्तेमाल हो जाए, तो जितने दिन लगने हैं इनटू जितना यूनिट्स पर डे इस्तेमाल होना है। अगर नॉर्मली इतने ही यूनिट्स एक दिन में इस्तेमाल होते हैं, इतने ही दिन लगते हैं, तो ठीक है आर ओ एल, लेकिन इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, अगर ज्यादा भी हो सकते हैं, रिस्क है तो उसी की एहतियात करने के लिए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं कि नॉर्मली इतने दिन लगेंगे, नॉर्मली पर डे इतनी कंजम्पशन होगी, यानी अगर जितना नॉर्मल टाइम लगता है उतना ही लगा तो मुनासिब है, लेकिन ज्यादा भी टाइम लग सकता है तो एहतियातन कुछ और यूनिट्स भी रखने चाहिए, उन्हीं को ही सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। ये बात ओके। इस सवाल में 11 दिन लगा करते हैं नॉर्मली,
और एक दिन में कितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं नहीं बताए, लेकिन जहां एनुअल डिमांड पता हो, टोटल डेज पता हो, तो पर डे हम निकाल सकते होते हैं। एनुअल डिमांड पता है और साल में लिखा हुआ है 360, बोल्ड करके लिखा हुआ है एंड पे 360 दिन, तो पर डे क्या बना, पर डे आ गया 450। अगर हमने कोई सेफ्टी स्टॉक ना रखा, यानी 11 दिनों का ही सामान रहता था तो ऑर्डर प्लेस किया, यानी कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा। अगर हमने आरओएल इस तरह कैलकुलेट किया कि 11 दिन का सामान रह गया बस ऑर्डर प्लेस कर दो, तो इसमें रिस्क क्या है कि अगर 11 से लेट हो गया तो स्टॉक आउट हो जाएगा। तो सेफ्टी स्टॉक इसीलिए रखा जाता है कि अगर देर से वेयर हो गई तो यूनिट्स पड़े हो, इसलिए सेफ्टी स्टॉक होता है। तो अगर बिजनेस सेफ्टी ना रखता हो तो जितने दिन नॉर्मली लगते हैं उतने ही दिन का सामान रख ले तो स्टॉक आउट होने का रिस्क है, रिस्क चांसेस भी कह सकते हैं। सवाल दूसरा टेबल मुझे बताइएगा डेटा उसका, लीड टाइम है, चांसेस हैं 11, 68%, 12% 13%, 10% 14%, 6% 15%, 4%। नॉर्मली 11 दिन लगते हैं, 12 भी लग सकते हैं यानी एक दिन एक्स्ट्रा लग सकता है, 13 भी लग सकता है यानी 2 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन एक्स्ट्रा, 4 दिन एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कितने एक्स्ट्रा लग सकते हैं, 4। ये जो एक्स्ट्रा 4 दिन लग सकते हैं और एक दिन का 450 है, अगर हम इतना एहतियातन स्टॉक रख लें, सेफ्टी स्टॉक, तो अब रिस्क है स्टॉक आउट होने का, क्यों नहीं, क्योंकि 11 दिन वाला तो रखना ही था प्लस 4 दिन का और रख लिया कि अगर 4 दिन लेट हो भी गया तो भी हमारे पास एहतियातन सामान पड़ा, उसको सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं, यानी टोटल 15 दिनों का सामान रख लेते हैं, फिर से बोल रहा हूं, 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक या टोटल 15 दिन का सामान, तो हमने सब रिस्क कवर कर लिया, हमने रिस्क कवर कर लिया। अगर हम 15 दिन का सामान रहता हो और ऑर्डर प्लेस कर दें तो स्टॉक आउट का रिस्क नहीं है। अगर हम 14 दिन का सामान रखें तो हमने एक दिन फिर भी रिस्क पे छोड़ दिया। अगर हम 14 दिन का सामान रहता हो और आरओएल प्लेस कर दें, 14 दिन का सामान, इन अदर वर्ड्स कितने दिन का सेफ्टी स्टॉक, 3 दिन का, 11 तो नॉर्मली लगते हैं, अगर हम 14 दिन का सामान रहता हो तो ऑर्डर प्लेस कर दे तो हम कितने दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लें, 3 दिन। अगर हम 13 दिन का सामान रख के ऑर्डर प्लेस करें तो हम 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं। 12 दिन का सामान रहता हो तो हम 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं। 11 दिन का सामान रहता हो तो ऑर्डर प्लेस करें, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे। अगर हम 11 दिन पे ऑर्डर प्लेस करें यानी कोई सेफ्टी स्टॉक ना रखें तो कंफर्म स्टॉक आउट होगा, 68% चांसेस हैं कि स्टॉक आउट नहीं होगा। देखें 68% चांसेस हैं कि 11 दिन लगेंगे, 12% चांसेस हैं कि 12 लगेंगे, 10% चांसेस हैं कि 13 लगेंगे, 6% है कि 14, 4% है कि 15। 68% चांसेस किस बात के, कि 11 दिन तक लगेगा। 32% चांस किस बात के हैं, कि 11 से ऊपर चला जाएगा, ये 32 है। 32% चांस हैं कि मोर देन 11 डेज, 12% से ऊपर लग जाएंगे, 12 दिन से ऊपर लग जाएंगे, 20% चांस हैं कि 12 दिन से लेट हो जाएगा, 10% चांस हैं कि 13 दिन से ऊपर निकल जाएगा, 4% चांस है कि 14 दिन से ऊपर निकल जाएगा, 0% चांस है कि 15 से ऊपर जाएगा। पहले ये चांसेस वाली बात को खत्म करें, फिर इसमें सवाल की रिक्वायरमेंट वाला जुमला बोलता हूं। ये रिपीट कर रहा हूं, ये दिन नॉर्मली 11 लगते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। अगर हमने आरओएल बस 11 दिन का सामान रखा यानी कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं तो स्टॉक आउट होने का कितना रिस्क है, कितना चांस है, 32%। अगर हम
0% रिस्क रखना चाहें, सेफ्टी स्टॉक का चांस खत्म करना चाहें, तो 15 दिन का सामान रहता हो, इन अदर वर्ड्स 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक। अगर हम 0% रिस्क रखना चाहें तो 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। अगर हम 4% रिस्क लेने को तैयार हो जाएं तो 15वें दिन पे एक्सपोज हो जाते हैं, 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं। अगर हम 10% चांस लेना चाहें तो इन दोनों पे एक्सपोज हो जाते हैं, 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं। 20% रिस्क लेना चाहें तो 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं, 20% चांस रिस्क ले लेते हैं। ये सवाल की रिक्वायरमेंट। अब सवाल की रिक्वायरमेंट बी देखें, पूछा है बताएं सेफ्टी स्टॉक कितना होगा, आरओएल कितना होगा अगर हम 20% रिस्क लेने को तैयार हैं तो, अगर हम 10% रिस्क लेने को तैयार हैं तो। जी नहीं समझ रही, अगर हम सेफ्टी स्टॉक जीरो रखते हैं ना तो इसका मतलब है हम 32% रिस्क ले रहे हैं स्टॉक आउट का। अगर हम 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लें तो हम 20% रिस्क ले रहे हैं। अगर हम 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लें तो हम 10% रिस्क ले रहे हैं। अगर हम 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लें 4% रिस्क ले रहे हैं। अगर 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लें तो जीरो रिस्क। जी यानी नॉर्मल से कितना ऊपर निकल जाएगा। हाँ जी बस ये था सवाल कि इसको रिस्क के एतबार से पूछा हुआ था। इसमें बताइए आपने पूछना है कुछ तो। डन चलें ठीक है, मैं 107 बी जो है ना वो सीबीपी के होमवर्क को डिस्कस करता हूँ।